प्रथम तहलका न्यूज। रेवाड़ी जिले में डेंगू अब चिंता का कारण बनने लगा है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 34 नए मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो वहीं कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो ये 89 से बढ़कर 113 हो गए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महज 5 ही दिन में दुगना हुए मामलों से डेंगू की तेजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। निजी अस्पतालों में मरीजों से बेड भरे हुए हैं। शुरुआत में हर साल की तरह सामान्य नजर आ रहे डेंगू के मामलों में फिर से बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। सरकारी अस्पताल में उपचार करवा रहे मरीजों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को भी डेंगू की पुष्टि होने पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट भेजनी होती है। अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको सोर्स रिडक्शन के लिए भेज रहे हैं घर घर। वो जैसे कोई बर्तन खाली हो गया, मटका है खाली हो गया, कोई बर्तन जैसे लोग टायर है, तो हम उनसे सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज करा रहे हैं डेली। वो उनसे खाली करा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जो डेंगू का मच्छर है साफ पानी में होता है, थोड़ा सा भी अगर एक ढक्कन भी पानी इकट्ठा हो जाए तो उसमें डेंगू का मच्छर पनप सकता है। और हमने हर वीक ड्राई डे मनाने का वो कह रखा है सभी को कि अपने कूलर वूलर वो डेली साफ करें, हर वीक साफ करें ताकि ये मच्छर पैदा ना हो पाए। लोगों से साथ में ये भी अपील है कि बुखार अगर होता है तो केवल पैरासीटामोल की गोली खाएं, पूरी बाजू के कपड़े पहने, जाली वाले दरवाजे हैं तो वो लगाएं और अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। छोटा मोटा पानी कहीं इकट्ठा होता है तो उसमें मिट्टी डाल लें या टेमिकोस की गोली या काला तेल डीजल ये डाल सकते हैं ताकि मच्छर पैदा ना हो। अगर मच्छर पैदा ही नहीं होगा तो काटेगा नहीं, तो ये थोड़ी सावधानियाँ सभी जनता को बरतनी पड़ेंगी तो ही हम कर सकते हैं। आजकल लोग घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी रखते हैं, उनमें पानी डाल कर रखते हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनमें भी ये पानी वानी जो है रोजाना चेंज करें। नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका के कर्मचारी गमलों टायरों इत्यादि में खड़े पानी और साफ सफाई का कार्य 2 दिन में करवाएंगे। सुबह शाम पार्क और रिहायशी क्षेत्र में फॉगिंग का काम करवाया जाएगा। पाक्योंग डेंगू का मच्छर पनपने ना पाए, ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू वायरल के लिए गांव के नंबरदार और ग्राम सचिवों की मदद से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को फॉगिंग करवाने का निर्देश दे दिया गया है। अगर जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात करें तो अधिकतर अधिकारी इस समय जिले से बाहर ही बताए जा रहे हैं। डेंगू के लिए निश्चित ही कुछ डेंगू के केसेस बढ़े हैं सब जगह पे, तो शायद उसका मूल कारण चूंकि ये पानी में रहने वाला मच्छर है, पानी में ही ब्रीड करता है, तो इस बार कुछ डिलेड जो बारिश हुई है लेट तक उसके कारण बढ़े हैं। लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग भी और जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं अर्बन और रूरल, वो सब समय फॉगिंग करा रही हैं। कल भी हमने उसको रिव्यू किया सबको, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स के साथ, और हमने सभी एमसीज़ के भी जो सेक्रेटरीज ईओ हैं, ऐसे ही जो हमारे DDPOs हैं, सबको निर्देश दिए गए हैं कि फॉगिंग कराएँ, लोगों को मोटिवेट करें और लोगों को बताएँ कि पानी को इकट्ठे नहीं रहने देना है, गंदगी को नहीं रहने देना है, और सभी डेंगू से बचाव संभव है। सर, हर लगभग 70 पार 72-80 के आसपास पहुंच गए हैं। मुझे इस वक्त मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि इसका हर डेथ का ऑडिट किया जाता है, तो उस ऑडिट में क्या कारण एक्चुअल डेथ का आता है वो डॉक्टर्स की टेक्निकल टीम ही बता सकती है। बट निश्चित ही डेंगू थोड़ा हमारे ज़िले में या सब जगह पे बढ़ा हुआ है बारिश के कारण या दूसरे फैक्टर से, तो लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी टीमें पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं, और आप ये पाएंगे कि बहुत जल्द डेंगू खत्म हो जाएगा। और कुल मिलाकर बात यह है कि समय रहते प्रशासन को डेंगू के मामलों पर रोकथाम लगाना ही होगा। महज आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिन पर दिन बढ़ते मामले लोगों की ही जान पर भारी पड़ेंगे और फिर कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन कुछ कर ही ना पाए। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।